नमस्कार। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पटना में पटेल गोलंबर चितकोहरा पुल के समीप राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल, सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। सभी ने पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, जीवेश मिश्रा, रामप्रीत पासवान भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी की लड़ाई और राष्ट्र निर्माण में जो योगदान दिया है, वह देश के लोगों को याद रखने की जरूरत है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र निर्माण और देश की एकता के लिए किए गए कार्य की जानकारी लोगों तक पहुंचाए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपचुनाव को लेकर कहा कि जीत और हार के फैसले के लिए जनता मालिक है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर माल्यार्पण किया गया है, उन्हें याद किया गया। और इस मौके पर कई गणमान्य लोग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर राज्यपाल फागू चौहान और कई मंत्री नेता मौजूद रहे। जनाब नीतीश कुमार अपनी अकीदत गौतम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौतम, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इस मौके पर तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें नमन किया गया है, क्या कुछ और आप तस्वीर देख पा रहे हैं? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जयंती समारोह है और बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, बिहार सरकार के कई मंत्री, जिसमें शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हो, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, वहीं जो पीएचडी के मंत्री जो हैं रामप्रीत पासवान, ये तमाम मंत्री और कई विधायक और विधान पार्षद भी जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। पटना के ये पटेल गोलंबर चितकोहरा के समीप पुल के समीप जो है ये कार्यक्रम आयोजित था। प्रतिमा स्थल जो है यहाँ पर है और यहीं पर हर साल जो है राजकीय समारोह के तहत जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष हैं उनकी जो है राजकीय समारोह से जयंती समारोह आयोजित की गई। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और तमाम गणमान्य मंत्रियों ने जो है उनके चित्र पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विषय पर मीडिया से भी बात की और उन्होंने एक संदेश दिया बिहार और देश के तमाम लोगों को कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र एकता जो है, राष्ट्र अखंडता के लिए जिस तरह से काम किया और जिस तरह से उन्होंने एक अपना पूरा जीवन जो है देश के लिए जो है निछावर किया, उन तमाम विषयों को जो है लोगों को याद रखना चाहिए। और सरकार की जो दायित्व है इन विषयों को जो है लोगों तक पहुँचाएँ, जो हमारे युवा पीढ़ी है उन तमाम लोगों को जो है इस बात की जानकारी दें कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की अखंडता के लिए काम किया और स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से उन्होंने एक भूमिका निभाई थी कि देश आज़ाद हुआ। तो तमाम विषयों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जो है मीडिया से बात की और लोगों को संदेश दिया। इसी मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक विषय और भी जो है मीडिया के सवाल पर जवाब दिया। मीडिया की तरफ से जो सवाल किया गया, जिसमें ये पूछा गया कि उपचुनाव का जो है कल मतदान हो चुका है और क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने तरफ से जो है ये बातें रख रही हैं कि जीत हमारी होगी, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है इस पर कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो जीत से संभावित हो। उन्होंने एक बहुत ही साधारण शब्द में जो जनता पर जो है फैसला उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि जनता मालिक है और जनता ही जो है इस पर जो है फैसला लेगी और ये जो परिणाम है उपचुनाव का वो जनता ही तय करेगी कि आखिर किसके सर पर जो है जीत का ताज सजेगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत ही सामान्य और सधे अंदाज में जो है इस विषय पर जवाब दिया कि जनता मालिक है और जो फैसला होगा जनता को होगा। उपचुनाव पर भले ही जो जीत का वादा कर ले, दावा कर ले, मगर जीत का जो फैसला है वो जनता के हाथों में है और जनता ही तय करेगी कि अगले जो कहा जाता है कि 5 सालों के लिए है उपचुनाव का जो जीते हुए प्रत्याशी होंगे वो किस दल के होंगे। बिल्कुल गौतम, तो सधे हुए तरीके से जो जवाब है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इस मौके पर उन्हें नमन किया गया, साथ ही साथ जो चुनावी बातें हैं वो भी उसका भी जिक्र किया गया है। तो बढ़ेंगे आगे। जो देश एकजुट हुआ है, इसको
सब दिन के लिए लोग हमेशा इस बात को याद रखेंगे और जो भी उनकी आज़ादी की लड़ाई में जो भूमिका है वो हमेशा इन सब चीज़ों को नई पीढ़ी को जानने की बात है। और हम लोगों की इच्छा है पूरे तौर पर कि नई पीढ़ी पूरे तौर पर इनकी सारी भूमिका आज़ादी और आज़ादी के बाद इस राष्ट्र के निर्माण में जो उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी उसको हमेशा